तो ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के जेबीबी ग्रैंड सोसाइटी से, और देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा आज राज्यसभा सांसद करनाल पहुंचे हैं, और फिलहाल आप ये देखिए सतीश राणा की तरफ से जो है एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें आप देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं करनाल में। आप लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। जिनका स्वागत करना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब स्वागत जो है वो किया जाएगा, जिसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस प्रदेश तो आप देख सकते हैं फूल मालाएं पहनाकर जो है स्वागत किया जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा का। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में जेबीबी ग्रैंड सोसाइटी के अंदर जो है आज एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो देखिए किस तरह से स्वागत जो है दीपेंद्र हुड्डा किया जा रहा है आप सभी से। तो आप देख सकते हैं पगड़ी पहनाकर स्वागत जो है किया गया है, हमारे युवा साथी संबोधित करेंगे दीपेंद्र हुड्डा। हमारे बीच में हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे भाई सतीश राणा जी, जिनके कल देर रात को ये जो है कई दिन से ड्यू था प्रोग्राम, ये कल बहुत देर रात को तय हुआ कि भाई सुबह 5 मिनट आपके जो कई दिनों से जो कार्यक्रम ड्यू है तो नाश्ता आपके साथ करेंगे, तो उसके उपलक्ष्य में आप सब ने आके जो मान सम्मान किया मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और सतीश राणा जी जो हमारे साथ अभी लगभग मेरे ख्याल 8-9 महीने पहले पूर्व इन्होंने एक फैसला लिया और उस समय आए कांग्रेस पार्टी में, और मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। ये जब आए उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और परिवार बढ़ता जा रहा है और ज्वाइनिंग चलती जा रही है। तो आपने उसकी शुरुआती जो था वो आपने उसकी शुरुआत करी, और आपके बारे में पूरा ये इलाका पूरे करनाल से हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है। आप लोगों में घुल मिल के रहते हैं, लोगों का मान सम्मान करके चलते हैं, और अपना पूरा इलाका कैसे आगे बढ़े ये आपकी सोच है, और इसी सोच के साथ आप आए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भाई आपका पूरा मान सम्मान, जैसे आप लोगों का मान सम्मान पूरा रखते हैं, आपका पूरा मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में हमेशा एक परिवार के सदस्य के रूप में आपका मान सम्मान करने का काम हम करेंगे। आप जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी में, जुड़े हैं एक पारिवारिक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके उज्जवल भविष्य की, और आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हमारा ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम कराया। और मुझे विश्वास है कि आज सभी जो सारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद यहाँ आपने दिलवाया इस कार्यक्रम में, ये दोबारा विकास की पटरी, खुशहाली की पटरी पर हरियाणा को लेके आएगा। ऐसी सरकार जो उसने हरियाणा को देश में सबसे ज़्यादा नंबर एक बेरोजगारी में बना दिया हो, आज विकास की पटरी से उतार दिया हो, महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार की भेंट हरियाणा के विकास आज विकास चढ़ गया हो, हर शहर के अंदर आज देखा जा सकता है दुर्दशा, विकास की सरकार की देन है। तो आज बदलाव आवश्यक है, और उस बदलाव में आज आप सबका आशीर्वाद आज उस बदलाव में रंग लेके आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सतीश जेबीबी ग्रैंड सोसाइटी में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा जी, और यहाँ पर सतीश राणा कैर वाली है, उनसे एक बार बातचीत करने का। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे सांसद हैं और हरियाणा के युवा की दिलों की धड़कन, और आज पूरा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। जो भाजपा ने जो वायदे किए थे उन वायदों पर खरी नहीं उतर पाई, और भाजपा की जो नीति है वो पूरी तरह से पूरे हरियाणा में फ्लॉप हो चुकी है। आज पूरा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, माननीय हुड्डा जी के नेतृत्व में आज 70+ के साथ हम जीत रहे हैं। बिल्कुल, आप इस समय दीपेंद्र हुड्डा आज जेबीबी ग्रैंड सोसाइटी पहुंचे थे, फिलहाल बातचीत करने का भी प्रयास जरूर किया जाएगा। फिलहाल अभी देखिए किस तरह से हम सतीश राणा जी के निवास स्थान पर यहाँ पर आज पहुंचे, और मान सम्मान हमारे सारे बड़े बुजुर्गों ने जो मान सम्मान किया सतीश जी के नेतृत्व में, मैं सतीश जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सतीश जी के रूप में कांग्रेस पार्टी को एक बहुत मजबूत हमें एक साथी मिले हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिली। सर 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस, आगे क्या देखते हैं प्रदेश में? ये जो 9-9.5 साल की जो भाजपा की जो सरकार की कार्यशैली रही है उसने प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया है। आज बेरोजगारी महंगाई में देश में नंबर एक पे हरियाणा पहुंच गया है, दुर्भाग्य की बात है। सरकार के अहंकार में, सत्ता दल के अहंकार में हरियाणा आज कलंकित हो गया है। भ्रष्टाचार
मैं आज हरियाणा कलंकित हो गया है। ऐसे में जनता बदलाव चाहती है। निश्चित तौर से हरियाणा में भाजपा जाजपा सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदय भानजी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी आ रही है। सर, दुष्यंत चौटाला राजस्थान में रैली करते हैं और कांग्रेस को गुलाबी गैंग कहते हैं, कैसे देखते हैं सर? जो है हरियाणा में जो जो जिन लोगों ने लोगों के साथ विश्वासघात किया बड़े पैमाने पर और लोगों को धोखा देने का काम किया, आज हरियाणा में उनकी राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया तो हरियाणा से पैकअप करके वो राजस्थान चले गए। सर, जनता जानना चाहती है, राजस्थान में भी लोग समझदार हैं, ऐसे लोग जो विश्वासघात की राजनीति करते हैं राजस्थान में भी उनकी दुकान नहीं जमने वाली। हरियाणा के युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, गांव के गांव छोड़कर युवा विदेशों में जा रहे हैं। ये खट्टर साहब को सोचना चाहिए, इस सरकार को सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हुई, आज ऐसी स्थिति क्यों बनी कि हरियाणा का नौजवान या तो बेरोजगारी गलत में या नशे की तरफ, अपराध की तरफ या अपना घर बार बेच के विदेश की तरफ अपना भविष्य खोज रहा है। आज ऐसी स्थिति हरियाणा जैसे प्रदेश में बनने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये सरकार जिम्मेदार है। सर, आगे के चुनावों में लगता है कांग्रेस और इनेलो का सर गठबंधन की चर्चाएं चल रही है सर? ऐसी किसी पार्टी से कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। जिस पार्टी का इतिहास और जिस पार्टी की विचारधारा ये बताती है कि अगर एक भी सीट आई मौका मिलते बीजेपी की तरफ भागेंगे। आज कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस सक्षम है 90 की 90 सीटों पे और कांग्रेस अपनी बल पे भाजपा को परास्त करेगी हरियाणा। दीपेंद्र जी, जनता जानना चाहती है, एक बार क्लियर कर दीजिए कि पार्टी छोड़ने की जो बात चल रही है, दीपेंद्र जी पार्टी छोड़ने की कह रहे हैं, कांग्रेस छोड़ेंगे हुड्डा साहब, ऐसा कुछ हो सकता है? एक बार क्लियर कर दीजिए क्योंकि अफवाह जनता जानना चाहती है।